तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन के लिए 3 माह में भूमि अधिग्रहण के कार्य को शुरू करना है, क्योंकि 22,000 करोड़ की DPR यहां पर तैयार की गई है। 34 स्टेशन बनने वाले हैं, 9 टनल रेडी होने वाले। बता दूं कि अगर यह रेल लाइन रेडी हो जाती है तो इंदौर से बम्बई की जो दूरी है ना, 250 किलोमीटर तक की कम हो जाएगी। गुजरात होकर आपको जो है नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि यह रेल लाइन आपको डायरेक्ट ही ना भाई इंदौर से मुंबई जोड़ देगी। साथ ही साथ में 268 किलोमीटर के इंदौर मनमाड़ के बीच नई रेल लाइन प्रस्तावित है। 50 किलोमीटर के हिस्से में धुले मनमाड़ के बीच कार्य चल रहा है। 2,200 हेक्टेयर की जमीन की आवश्यकता होगी। 218 किलोमीटर के लिए 300 छोटे ब्रिज जो है यहाँ पर बनाए जाएंगे, छोटे और नए ब्रिज। 9 बड़ी बड़ी टनलें यहाँ पर बनेंगी दोस्तों, और जिसकी लंबाई लगभग 20 किलोमीटर की रहने वाली है। तो अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर कुछ खास चीज़ें जाना जाए तो उसमें जो सबसे बड़ा कार्य हुआ है वह हुआ है सर्वे को लेकर। बता दें चलो कि दोस्तों सर्वे पूरा हो चुका है। अब जो कुछ बचा हुआ है सर्वे मनमाड़ से लेकर बोर बिहार के बीच में थोड़ा बहुत सर्वे बचा है, जिसको जल्द यहाँ पर पूरा किया जाएगा। इसके अलावा बता दो कि दूसरी चीज़, यहाँ पर 9 जिलों के जो है सांसद जो है दिल्ली में मिले थे, जिसमें हमारे मनोज मराठे जी भी शामिल थे, और काफ़ी अच्छी चीज़ हुई थी। यहाँ पर DPR बनाई गई 22,000 करोड़ रुपये की। लैंड ऑक्यूपेशन का प्रोसेस जो है, भूमि अधिग्रहण की जो मुद्दा है ना, उसको जल्द 2-3 फेज 4 महीने के अंदर ही यहाँ पर शुरू किया जाएगा। तो इंदौर मनमाड़ रेल लाइन प्रोजेक्ट को लेकर अच्छी खबर है, क्योंकि इसकी DPR, जिसमें दोस्तों डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इसमें आपका कितना ब्रिज रहेगा, कितना रूट का कार्य रहेगा, कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगा, कितना मटेरियल लगेगा, कितना सामान लगेगा, डिटेल में पूरी रिपोर्ट जो है यहाँ पर प्रेजेंट की जाती है। तो ऐसे में सेंट्रल रेलवे ने इसे रेलवे बोर्ड में प्रस्तुत कर दिया है। सेंट्रल रेलवे के द्वारा इस प्रोजेक्ट की जो लागत है ना, लगभग 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। और अब 3 फेज 4 महीने की प्रक्रिया के बाद इस लाइन पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया की शुरुआत जो है करवाई जाएगी। नई रेल लाइन से इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी, धुले और नासिक को जो है फ़ायदा मिलेगा। तो सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि नई रेल लाइन से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, बता दूं कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का संपर्क काफ़ी बेटर स्थापित होगा, दोनों ही राज्यों को फ़ायदा होगा। इंदौर से मुंबई और दक्षिण की कनेक्टिविटी और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस रेल लाइन से संबंधित दोनों राज्यों के 9 सांसदों और इंदौर मनमाड़ रेल लाइन संघर्ष समिति के सदस्यों ने इस रेल लाइन का मुद्दा लेकर यहाँ पर रेल मंत्री जी से मिलेंगे, ताकि इस कार्य में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए रेल मंत्री से समय भी मांगा गया है। दरअसल पिछले दिनों रेल मंत्री विष्णु वैष्णव के इंदौर आगमन पर सांसद जो थी लालवानी जी इंदौर मनमाड़ प्रोजेक्ट को लेकर चर्चाएं की गई थी, जिसके बाद इन्होंने 2 दिनों में इंदौर से जुड़े सभी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट दिल्ली भेजने जाने की अधिकारियों को इसके अनुमति जो है दी गई थी। अब बता दें चलिए कि प्रोजेक्ट में आगे क्या होगा। तो देखिए, रेलवे बोर्ड पे इस रिपोर्ट का प्रेक्षण करके नीति आयोग को रिपोर्ट जो है भेजेगा, और नीति आयोग इसका अध्ययन करेगा, और वित्त मंत्रालय में ये रिपोर्ट जो है पेश की जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट इस पर अंतिम मुहर जो है लगाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 3 महीने का समय जो है लगेगा, जिसके बाद ही जमीन अधिग्रहण की जो शुरुआत है इसको करवाया जा सकेगा। तो काफ़ी अच्छी है, लंबे समय के बाद फिलहाल DPR पेश करवाई गई है। और सर्वे मैंने आपको बता दिया है कि मनमाड़ बोर विहार का सर्वे बचा हुआ है, जिसको आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। हालांकि 5 दिन का ही समय लगने वाला था, बट दोस्तों वहाँ का जो स्टोन है ना, जो पत्थर है, काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी बड़े मात्रा में, तो इसलिए बड़ी मशीनें बुलाई जा रही, ताकि वहाँ पर उनको ड्रिल करके सॉइल का सैंपल जो है लिया जा सके। और इसी वजह से दोस्तों ये जो कार्य लगभग 20-25 दिन का पूरा हो जाएगा, जो कि मैं हमारे सूचना अधिकारी, जो कि मतलब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मनोज मराठी जी जो कि अध्यक्ष है, तो रेल संघर्ष समिति के, इनको द्वारा जो है जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी वहाँ पर आने वाले समय में सर्वे को कुछ और दिन लग सकते हैं, क्योंकि पत्थर जो है काफ़ी ज़्यादा पाए जा रहे हैं, तो इसलिए जो ड्रिल मशीनें हैं दोस्तों उसको थोड़ा सा बड़े लेवल की मशीनें यहाँ पर बुलाई जाने की बात उनके द्वारा बताई गई। तो अगर मैं और जानकारी की बात करूँ तो संघर्ष समिति मनोज मराठे जी ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि यहाँ पर जो रेल लाइन है 268 किलोमीटर लंबी रहेगी, और धुलिया से नोएडा के बीच तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर काम किया गया, जिसके कारण दूरी 268 किलोमीटर हो गई है। धुले से मनमाड़ के बीच 50 किलोमीटर पर काम चल रहा है, और बचे हुए 218 किलोमीटर के लिए 22 हेक्टर की जमीन की आवश्यकता है। इस रूट पर 300 छोटे बड़े ब्रिज बनने वाले, मेनर एंड माइजर ब्रिज की संख्या 300 के आसपास से 20 किलोमीटर के तकरीबन यहाँ पर 9 लंबी टनलें जो है बनाई जाएगी, और लगभग 34 स्टेशन रूट पर बनाए जाने वाले हैं। तो वहीं और अधिक जानकारी की बात करूँ तो प्रोजेक्ट की वजह से तकरीबन प्रदेश के 6 जिलों को फ़ायदा जो है यहाँ पर मिलेगा। इस ट्रैक के बनने से महाराष्ट्र के 6 जिले,
इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी, धुले और नासिक को फायदा होगा। प्रोजेक्ट की जो शुरुआती लागत बताई गई है लगभग DPR की वजह से और DPR में जो उसके मेंशन की गई लगभग 22,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की है। लालवानी ने प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री श्री वैष्णव का धन्यवाद देते हुए इंदौर मनमार रेल लाइन पर ठोस प्रगति जो है हुई है इसका उन्होंने आभार जताया है। बता दूं कि इंदौर मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों के लिए प्रगति जो है काफ़ी अच्छी साबित होगी क्योंकि उनको डायरेक्ट टू डायरेक्ट दोस्तों रेल की कनेक्टिविटी मिलेगी और साथ ही साथ में ये जो प्रोजेक्ट है ना काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो ऐसे में इस रेल लाइन के सर्वे को भी काम को जल्द पूरा किया जाना जो कि काफ़ी ज़रूरी है। तो इस पर चेयरमैन से सेंट्रल रेलवे से रिपोर्ट जल्द ही सबमिट करने के लिए कहा गया है। और मैं अगर इस रेल लाइन पर और बात करूँ तो इंदौर मनमाड़ की जो रेल लाइन होने वाली है लगभग दोस्तों इसकी जो शुरुआत फिर जब इस रेल लाइन को बनाया जाएगा तो पूरी तरह से डबल लाइन होगी, मतलब बाद में ये नहीं रहेगी कि भाई पहले सिंगल लाइन बना देते फिर बाद में जब ट्रैफिक का लोड ज़्यादा होगा तो वापस इस रूट पर फिर से काम किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, एक साथ डबल लाइन को यहाँ पर बिछाया जाएगा, दोहरीकरण होगा इस लाइन का और साथ ही साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब विद्युतीकरण के साथ साथ डबल लाइन भी करवाई जाएगी और इसी वजह से इसकी जो लागत है ना वो लगभग 22,000 करोड़ रुपये बढ़ गई। अगर मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पर सिंगल लाइन बनाई जाती तो यह जो लागत है लगभग 11,000 से 12,000 करोड़ रुपए के आसपास इसकी जो है अनुमानित लागत लगी गई थी। हालांकि अब डबल लाइन बनेगी तो ये चीज़ तो ज़रूरी है कि फायदा सीधा सीधा जो रेल लाइन है दोस्तों डबल होगी तो उसका खर्चा भी जो है डबल कर लिया जाएगा। तो सेंट्रल रेलवे इंदौर मनमाड़ रेल लाइन का सर्वे पूरा कर लिया गया है, इसके निर्माण की लागत 22,000 करोड़ रुपये है। प्रोजेक्ट की लागत इसलिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि शुरुआत में दोस्तों डबलिंग कराए जाने का प्रस्ताव है, साथ ही दोनों लाइनें इलेक्ट्रिफिकेशन होगी, इसकी लंबाई 300 किलोमीटर से ज़्यादा की जाएगी। इस योजना में रेलवे ने महाराष्ट्र के धुले से नरडाना के बीच 50 किलोमीटर के हिस्से को जो है ज्वाइन नहीं किया गया है क्योंकि इसमें पहले से काम की शुरुआत हो चुका है। तो बता दूं कि शनिवार को सांसद शंकर लालवानी ने पत्रवार्ता में बताया है कि लगातार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं दोस्तों अनिल कुमार लाहोटी, बता दूं कि इनको सर्विस को लेकर थोड़ा सा इसमें विस्तार करवाया जा सकता है, इसकी बातें की जा रही है और इस प्रोजेक्ट को लेकर उनके बीच में चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हुई थी रेल मंत्री और यहाँ पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी जी के मध्य में। संभवतः अगले हफ्ते मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 9 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल रेल मंत्री से मुलाकात करने वाला है, उनके प्रोजेक्ट को जल्द मंजूरी देने जाने का आग्रह जो है करवाया गया है। सांसद जी का कहना है कि फिलहाल यह प्रोजेक्ट रेलवे बोर्ड के पास विचाराधीन है, वहाँ से मंजूरी के बाद इसके पहले नीति आयोग और केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष जो है पेश किया जाएगा। बता दूं कि अब मनमाड़ प्रोजेक्ट के तहत महू से नरडाना और धुले से मनमाड़ के बीच रेल लाइन बिछाने का काम होना है। इन दोनों हिस्सों में रेल लाइन के लिए 2200 हेक्टेयर ज़मीन की ज़रूरत जो है यहाँ पर उपयोग में की जाएगी, ली जाएगी और इसमें जो सबसे बड़ा जो हिस्सा जाएगा भूमि का हो जाएगा भाई मध्य प्रदेश का। प्रोजेक्ट में 34 नए स्टेशन हैं, 300 छोटे बड़े पुल है, 20 किलोमीटर की 9 सुरंगें बनेगी। इसके अलावा योजना से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी, धुलवा और नासिक जिलों को फायदा जो है प्राप्त होने वाला है। तो फिलहाल मैंने जितनी भी अपडेट थी आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करवा दिया, आने वाले समय में और भी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आए जाने की उम्मीद है और जल्दी दोस्तों मनोज मराठी जी से संपर्क करके कुछ और भी इन्फॉर्मेशन जो रहेगी इस रूट से जो कि उनके द्वारा बताई जाती है और कुछ रेलवे बोर्ड इस पर क्या विचार लेता है क्योंकि DPR तो बन चुकी है और सेंट्रल रेलवे ने रेलवे बोर्ड के समक्ष पेश कर दिया है। अब देखना रहेगा कि नीति आयोग क्या करती है और क्या इस 22,000 करोड़ रुपए के दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन वाले प्रोजेक्ट को क्या यहाँ पर मंजूरी दी जाती है और भूमि अधिग्रहण का मामला कब तक स्टार्ट करवाया जाता है, सभी चीज़ों को जो है बने रहने के लिए आपको जो है वीडियो को लाइक करने, चैनल को भाई सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में और भी लेटेस्ट अपडेट इस रूट से निकल कर आएगी। बता दूं कि रेल लाइन काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और इसको लेकर समय समय पर यहाँ के संघर्ष समिति हो चाहे वह रेल लाइन के बड़े बड़े सांसद हो भाई सभी का मुद्दा जो है ना लगातार उठाया जा रहा है। फिलहाल मिलते हैं नई वीडियो के साथ में लगातार इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए चाहिए।